हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन यूनिक्सिबल। यूनिक्सिबल मीन्स मेक योरसेल्फ यूनिक इन सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ अच्छी अच्छी कमांड्स एरे के बारे में, मिरर के बारे में, कॉपी के बारे में, इलिप्स के बारे में, सर्कल के बारे में। आज एक और कमांड पढ़ेंगे, उसके बाद आज का जो सेशन है ये ड्राइंग बेस्ड सेशन है। मॉर्निंग में जैसा कि आपको मैंने बताया कि मॉर्निंग में मैं ड्राइंग के वीडियोज अपलोड करता हूँ और इवनिंग में कॉन्सेप्ट के वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपने ये आप पहली बार इस वीडियो में है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और अगर आपको अच्छा लगे लास्ट में देखने के बाद तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक कमांड पढ़नी है हमको जिसका नाम है फिलेट। कुछ लोगों को पता होगा यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लेना है, आर ई सी। लेने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना और क्लिक करके कितने बाय कितने का आपको रेक्टेंगल बनाना आप लगा दीजिए। जैसे कि आपको बनाना रेक्टेंगल 20 एफ 30 इंटर। हमारे पास एक इस तरीके का रेक्टेंगल है। आप यहाँ पे कर्व शेप चाहते हो, कैसा कर्व चाहते हो, कर्व शेप चाहते हो। कर्व शेप के लिए क्या करना है, यहाँ पर होता है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड लेने के बाद राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है रेडियस। जैसे कि आप रेडियस पे क्लिक करोगे आपको कितने रेडियस का फिलेट चाहिए था। सपोज आपने बोला कि मुझे 3 रेडियस का चाहिए, 3 इंटर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से रेडियस हो जाएगा इसका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो हो गया बट यहाँ चाहिए तो फिर से कमांड लेके आओ तो टाइम लॉस होगा। तो एक मिनट के लिए मैं कंट्रोल जेड करता, कंट्रोल जेड मतलब अंडो मतलब बैक आना, ठीक है। तो हम लोग एक कंट्रोल जेड से ऐसे आ गए। मैं आपको दूसरा इसी में ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद रेडियस, और रेडियस में हमने डाल दिया 3 इंटर। और फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मल्टीपल। इसे क्या होगा, आपकी कमांड खत्म नहीं होगी, आपकी कमांड चलती रहेगी। इस तरीके से आपकी कमांड चलती रहेगी, ये देखिए। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल का भी यूज कर सकते हो। एक और भी बहुत बेहतरीन, मैं फिर से कंट्रोल जेड करते हैं जिससे कि इसी में आपको फिर से दिखा सकूं। तो एक और बहुत ही बेहतरीन कमांड है, फिलेट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, आपने रेडियस किया और यहाँ पे मान लीजिए 5 रेडियस क्या ले लिया, और फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है पॉलीलाइन। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है अगर आप कहीं भी क्लिक करेंगे एक साथ सारे चारों तरफ पॉलीगॉन से आपका फिलेट हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आपका टाइम को सेव करेगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे कि अगर आप चाहते हैं फिलेट लगे बट आपका ये रेक्टेंगल बना रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए राइट फिलेट, राइट क्लिक, यहाँ पे पॉलीलाइन, सॉरी यहाँ पे फिलेट, फिलेट को राइट क्लिक, रेडियस पहले हमने दिया मान लीजिए 5 इंटर, फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर से करने के बाद यहाँ पे ट्रिम नो ट्रिम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पॉलीलाइन या मल्टीपल कुछ भी आप ले लीजिए। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट सेकेंड, ये देखिए आपका रेक्टेंगल भी बनाया और ये फिलेट शेप भी बन गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने ड्राइंग में इसको यूज करेंगे। देखिए कैसे ड्राइंग में यूज करते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर का भी ट्यूटोरियल चाहिए, मेरे यहाँ तो पढ़ाने की स्किल्स आपको अच्छी लग रही है तो भी प्लीज कमेंट करिए, थोड़ा अप्रिशिएट करिए तो मुझे और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और इसके बाद अब चलते हैं ड्राइंग पे। तो ड्राइंग के लिए कल मैंने बताया था ड्राइंग को इंपोर्ट कैसे करोगे। आपके पास एक्स आर ई एफ, आपके पास वर्कबुक होगी, उस वर्कबुक से आप इंपोर्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए वर्कबुक। वैसे काफी लोगों के पास होगा, जो नए लोगों को नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। अटैच इमेज, और अटैच इमेज में जाने के बाद अब जो हमारा पहला है टारगेट यहाँ पे फर्स्ट, इसको इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करके ओके। इसमें दो ड्राइंग है छोटी छोटी, जिसके पास वर्कबुक है, जो हमारे क्लासेस के थ्रू सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो बस सामने हमारा वर्कबुक भी सॉल्व करते रहे और क्या बोलते हैं साथ ही साथ वो कमांड्स भी पढ़ते रहे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये कितना है 68 और ये कितना है 106। एंगल कितना है देखिए, इधर से एंगल कितना है 105, तो इधर से कितना होगा टोटल 180। 180 में से 105 गया कितना है 75, ठीक है। और एंगल के लिए मैंने बोला था कि टैब बटन को यूज करके एंगल लगा सकते हैं, चलिए लगा के देखते हैं 68। आरी इंटर, कितना 106
अब अच्छा होगी कि आप वर्तमान करके रखो, 106 बट नॉट इन डेर, 10 एंगल 75 बन गया। इसके बाद इधर जाना है, कितना जाना है देखिए, 135 135, उसके बाद 65 नीचे आना है इंटर, और फिर इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे मिड पॉइंट से चले जाइए, और उसके बाद एक और यहाँ से ऐसे यहाँ पे देखिए फिलेट लगा हुआ कितने रेडियस का 25, और ये पीछे गया हुआ कितना 9, और इधर कितना गया हुआ 9, इस तरीके से। इसके बाद फिलेट राइट क्लिक, रेडियस, रेडियस हमने दे दिया 25 एंटर, और फिर इसके बाद यहाँ अच्छा उसके बाद आप एक मल्टीपल करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही जगह तो करना है, एक क्लिक सेकंड क्लिक। बट यहाँ पे देखिए अभी हमने वहां पे ऑन कर रखा था क्या नो ट्रिम, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नो ट्रिम मेरा आ गया है। तो अगर आपको खत्म करना है नो ट्रिम कैसे करेंगे, फिलेट राइट क्लिक रेडियस, और रेडियस हमने दे दिया 25 एंटर, फिर से क्लिक करके हमने यहाँ पे ट्रिम पे जाके नो ट्रिम को ट्रिम कर दिया, जिससे कि बार बार हमें ट्रिम करने की जरूरत ना पड़े। ये देखिए अपने आप पोजीशन ले लिया। इसके बाद ट्रिम राइट क्लिक, ये देखिए इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ कितना 40, फिर ऊपर कितना हुआ 70, फिर एक सर्किल बनाया किसका कितने रेडियस का 38 आया, मतलब 19 रेडियस का। बहुत ईजी है, लाइन लीजिए यहाँ से कितना 40, ऊपर जाइए 20, उसके बाद इसका रेडियस दे दीजिए 19, बन गया। पहली डैंग, चलिए दूसरी डैंग पर हम काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना 22.5 ऊपर गया, वो 22.5 एंगल कितना होगा इधर से 60 है, तो इधर से कितना होगा 60 है, 180 टोटल होता है, ये कितना होगा 120 करेक्ट। चलिए बनाते 22.5 एंटर, ऊपर गया 22.5 टैब एंगल, एंगल कितना 120 एंटर, फिर कितना गया हुआ 67.5, देखिए 67.5 एंटर, और ऊपर गया हुआ कितना 96, फिर 20 ऐसे जाके मिला देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 96, इसको ऐसे मिला के इन सबको सेलेक्ट किया क्योंकि इधर भी वैसे ही है। मिरर कमांड कल हमने पढ़ाया था आपको, मिरर मिड पॉइंट पर क्लिक करिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट दीजिए और एंटर। ओके, सो लाइन सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो आपने आप इस लाइन कीजिए मिला दीजिए करेक्ट। इसके बाद है यहाँ से ऊपर से नीचे आना है कितना 50, और 50 आने के बाद उस पर 36 रेडियस का यहाँ पे एक सर्किल बनाना है, सरगम अबाउट सर्किल, क्योंकि सर्किल इसमें क्या कर रहा है सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गए, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे हमने पहले तो मिला दिया, फिर यहाँ से हम लोग 50 एंटर, यहाँ पे गए पॉलीगॉन, या पॉलीगॉन लेके नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, और यहाँ पे हमने क्लिक किया 18, यहाँ पे सर्कम बाउंड सर्किल, और यहाँ पे ले लिया 18 क्योंकि 9 का कितना दिया हुआ रेडियस 36 है ना, 36 दिया तो हमने 18 ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक अंदर सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 9, कौन सा सर्किल है 2.12, तो रेडियस देंगे 9, और यहाँ पे 10 रेडियस, और यहाँ पे 10 10 10, मैंने आपको पढ़ाया था, एक ड्राइंग भी बनवाया था उससे रिलेटेड। चलिए तो यहाँ पे गए, और यहाँ से पहले तो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट है, बट वो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9 रेडियस। तो जब 2 पॉइंट लेते हैं उसमें डायरेक्ट आप रेडियस का डबल डाल दीजिए, 9 2 18 18, इनके यहाँ बन जाएगा। इसके बाद 10 10 रेडियस, 10 10 रेडियस, रेडियस कितना था आई थिंक 8 या 8, वैसे ही सेम इधर 10 10 10 10 10 10,
सॉरी मैंने दूसरा खोल लिया। चंपक टेन गया था क्या? फिर से बना दो। कुछ नहीं इसमें, यहाँ पे जाओ 10 10 10 और यहाँ पे पहले टेंजेंट पे, दूसरे टेंजेंट पे और फिर तीसरे टेंजेंट पे, तो हमने देखा कि कंप्लीट ईयरली ड्राइंग कैसे बन गई। चलिए एक और ड्राइंग बनाते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए फिलेट वगैरह का। उसके लिए एक दूसरी ड्राइंग को इम्पोर्ट कर लेते हैं, एक्स आर ई एक्स रेफ। कंपनी से बहुत पूछते हैं कि एक्स रेफ कमांड का यूज क्या है ड्राइंग को अटैच करने के लिए। एक्स रेफ कौन कौन से फॉर्मेट है? डी डब्ल्यू जी, इमेज, डी डब्ल्यू एफ, डी जी एल, पी डी एफ, ये सारी फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट आएंगे, इसलिए मैंने बता रहा हूँ जिससे आपको मैं एरे कमांड की प्रैक्टिस करवा सकूँ और साथ ही साथ क्या बोलते हैं हमारे ये सारे सर्किल्स के कमांड का यूज कर सकूँ। इसके लिए मैंने ड्राइंग को चूज किया है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने ऐसे फ्री हैंड से खींच देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्किल्स दिए हुए हैं। पहला अंदर का सर्किल कितने का है? 3 होल्स ऑफ 26, मतलब ये वाला होल और ये 26, मतलब 13 का है। ठीक है, और मतलब 13 का ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कितने का? 43 का, 13 43, बट 43 क्या है? डाया है, तो इसका रेडियस कितना होगा? 22.5, और ये कितने का? 30 13 22.5 और 30। तो पढ़ देखा लेते ऐसे ही। और यहां से डिस्टेंस ऊपर गया हुआ कितना? 90 ऊपर गया हुआ है, 90 से 30 इधर, और इसके बाद 30 माइनस 72 जितना आया कितना आया? 42 42 इधर। कैसे बनाएंगे? पहले तो 90 ऊपर जाएंगे, ये देखिए 90 ऊपर गए। ये ड्राइंग जो होता है ना, ये ड्राइंग को बड़े इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे, बहुत मजा आता है यार, बहुत रिलैक्स मिलता है आप ड्राइंग बनाओगे। जो भी अच्छे आर्टिस्ट हो उनको पता होता है कि यार ड्राइंग बनने का मजा ही कुछ और है। 42 यहाँ पे सर्कल्स बनाते हैं, एक तो 13 का है पता ही है, एक 3 होल्स ऑफ 26 का ना, तो इसलिए 13, एक और होगा शायद, कितने का है ये सुपर वाला? 22 सॉरी मतलब 44 का है, तो उसका रेडियस कितना हो गया? 22। चलिए बना देते हैं 22, एंटर 22, एंटर। क्या आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के भी वीडियोस चाहिए क्या? नीचे कमेंट करिएगा, अगर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के भी चाहिए तो बताइएगा। यहाँ पे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मतलब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 10 रेडियस, रेडियस कितना? 23, तो आप यहाँ पे जाइए 10 10 रेडियस को, 10 10 रेडियस 23। मैं सारे ड्राइंग को नहीं बनाऊंगा, जो ड्राइंग थोड़े से टफ है उनको बताऊंगा, अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं काफी ड्राइंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? एक सर्किल लेना है, अभी किनर का बच गया, ये सर्किल है छोटा वाला। ऐसे कितने सर्किल है? 1 2 3 4 5 6, कितने है टोटल? 6, कितने डाया के? 5 रेडियस के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए और 5 लिख के इंटर कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाके पोलर दे, इंटर खत्म। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अब ये भी बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, वहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ऐसी लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी लाइन बनाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके अदर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हर तरह की लाइन होती है, ये देखिए यहाँ पे डैश डैश लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, आई थिंक ये सेंटर लाइन ही होगी हमारे पास जो है सेंटर लाइन। इसके बाद नीचे हिडन लाइन भी होती है, जो आपको लाइन चाहिए वो लाइन आप ओके कर लो और ओके करके ऐड कर लो। जब आपको चेंज करना हो तो इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके पास यहाँ जाओ और यहाँ जाके जैसे इस पर क्लिक करोगे ये तुरंत चेंज कर देगा। ये देखिए चेंज हो गया है, बट आप विजिबल नहीं है, क्यों विजिबल नहीं? क्योंकि उसके बीच में गैपिंग जो है बहुत कम है। तो सेलेक्ट और इसकी स्केल बढ़ा दो, स्केल कैसे बढ़ाते? एल टी एस इंटर, और यहाँ पर हमने दे दिया 10 टाइम्स इंटर। देखिए आपको प्रॉपर दिखने लगा। इसके बाद यहाँ पे लिया हमने 10 10 रेडियस, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना?
105 का रेडियस यहाँ से होता हुआ, ठीक है। तो एक क्लाम यहाँ पर क्लिक करिए, फर्स्ट, सेकेंड और 105 का रेडियस दे दीजिए इस तरीके से। ऑफ एट्रियम ये हो गया। इसके बाद इसको भी मिला दो, कैसे, इसके टेंजेंट को इसके कोऑर्डिनेट से मिला दो। टेंजेंट कैसे मिलेगा, शिफ्ट दाब के राइट क्लिक कर देना, कमांड लेने कमांड लिया है उसके बाद शिफ्ट और माउस से राइट क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, सेंटर चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। अभी मुझे टेंजेंट चाहिए, देखिए फटाफट टेंजेंट मिल गया आपको और उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिला दिया हमने, खत्म। ड्राइंग बन गई, कितना ही चाहिए है ना, ये देखिए प्रॉपर हो गया। अब बीच में एक सेंटर लाइन और है, कोई बात नहीं यार, अभी तो सेंटर लाइन के आप एक्सपर्ट बन गए। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, प्रॉपर हो गया। स्केल और बढ़ाना है, LTS इंटर, और कम करना है, LTS कम कर दो 50, जितना भी आपको करना हो। चलिए तो ये जो वीडियो था, ये वीडियो था मैक्सिमम कमांड से रिलेटेड, मतलब ड्राइंग से रिलेटेड प्लस फिलेट कमांड। वो आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि मैं मतलब सारे सीरीज करवा रहा हूँ प्लस हर तरह के ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके लिए बस अब आपका एक आपकी तरफ से मुझे फीडबैक चाहिए कि सर कैसा लग रहा है, आप मुझे थोड़ा सा बताओ आप लोग यार, और आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में करो जिससे मेरे को और एनर्जी मिले। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, एंड वंस अगेन हम मिलेंगे 9 o'clock पे, और जिसमें हमारी जो वीडियो होगी वो कुछ अलग होंगे, जिसमें कमांड्स होंगी, फिर आपको मॉर्निंग का पता ही है ड्राइंग वीडियो फिर से बनेगा। चलिए थैंक यू सो मच, और दोपहर में आपको एक वीडियो मिलेगा जिस वीडियो में हम लोग थोड़े से बेसिक सिविलियन का एक एनिमेटेड, थोड़े से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनिमेटेड टाइप का एक PPT प्रेजेंट करूंगा मैं, अगर आप फ्री रहो तो उसको भी देखना। थैंक यू।